जिसका मैं यहाँ पे इंतजार था वो मोबाइल यहाँ पे लॉन्च हो गई है, यानी कि यूरो का ब्लैक यहाँ पे लॉन्च हो गई है। तो फ्रेंड्स हमें इसका इंतजार इसलिए था क्योंकि हम देखना चाहते थे क्या फिर ये किसी का इसका डिजाइन किसी का कॉपी निकलता है या नहीं निकलता। तो फ्रेंड्स आगे जब इस वीडियो देखते रहिए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या उस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन हो गए और क्या ये वो मोबाइल फिर से अपना डिजाइन किसी से कॉपी किया है या फिर नहीं किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं टेक्नोस्फेयर। फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैं पहले आपको उस मोबाइल का स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा क्या ये मोबाइल अपने डिजाइन को किसी मोबाइल से कॉपी किया है या फिर नहीं किया, और अंत में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोमैक्स और यूरेका के बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी पहले स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको मिलती है 5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, साथ में 2.5D के ग्लास के साथ कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलता है यहाँ पर आपको। यहाँ पे अगर हम पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 441 PPI का पिक्सल डेंसिटी, और यहाँ पर आपको अगर मैं चिपसेट की बात करूँ तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 430 चिपसेट के साथ, और यहाँ पर रैम मिलती है 4GB की। अगर मैं यहाँ पर स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलती है 32GB इंटरनल, और साथ में आपको इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 64GB तक, यानी कि आपको इसको SD कार्ड ला के एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी, साथ में इसमें कोई क्विक चार्जिंग का सपोर्टेड आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर फास्ट चार्जिंग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है मोबाइल। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको मिलती है 4G वोल्टी कनेक्टिविटी। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी कैमरा की बात करता हूं तो फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं क्लियर कैमरा की बात करूं तो आपको मिलता है 13 MP, साथ में डुअल LED फ्लैश और साथ में PDAF फोकस के साथ। तो फ्रेंड्स अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो आपको फ्रंट कैमरा मिलती है 8 MP के साथ में सेल्फी फ्लैश के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेल्फी फ्लैश जरूर मिल रहा है, यहाँ पर वीवो की तरह हो गया सेल्फी फ्लैश। फ्रेंड्स देखते हैं इसे क्या होगा सेल्फी। फ्रेंड्स अगला अब हम आपको बताऊं तो आपको मिलता है यहाँ पे 3.5mm जैक, आपको जरूर मिलेगा यहाँ पे 3.5mm जैक जो कि अच्छा है, और यहाँ पे ये मोबाइल डुअल सिम होने वाला है और इसमें आपको 2.0 का सपोर्ट मिलता है, साथ में ये टाइप सी नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स अगले स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ आपको मिलती है फ्रंट में फिंगरप्रिंट का स्कैनर, जो कि बॉटम साइड आपको मिलती है फिंगरप्रिंट का स्कैनर, तो वो कुछ अच्छा उन्होंने दिया है आगे में। सारी मोबाइल तो पीछे में कॉमन देती है लेकिन यहाँ पे आपको आगे मिल रही है। अगर मैं आखिर में इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइसिंग यहाँ पे रखा गया है इस मोबाइल का 8,999 रुपया, और यहाँ पे इस प्राइसिंग को देख के यहाँ पे लगता है कि इसका सीधा सीधा कंपटीशन है Redmi 3S Prime और Redmi 4 के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपको सेल की बताऊँ आपको ये मोबाइल कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो यहाँ पे ये मोबाइल अभी फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है सिर्फ, और इसका सेल आपको बता दो शुरू होने जा रहा है 6 जून को 12 बजे रात की, लगभग 12 बजे रात से, और ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है। मैंने आपको बता दिया आखिर में मैं इसकी डिजाइन पे आता हूँ कॉपी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स माइक्रोमैक्स ने माइक्रोमैक्स डुअल 5 में कॉपी किया, हम लोगों ने सोचा था इस बार उन्होंने कॉपी नहीं करेंगे लेकिन वो फिर से कॉपी किया है, फिर से यहाँ पे कॉपी निकली है, और यहाँ पे निकला ये मोबाइल कॉपी निकला है यूरो का ब्लैक, फिर से निकला है कॉपी यू फिल प्राइम का कॉपी निकला है, फुल्ली कॉपीड डिजाइन है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइसिंग अच्छी रखी गई है इसकी फैसिलिटी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स ये मोबाइल अभी इस प्राइस में ठीक है, और इसका कंपटीशन जब मैंने आपको बोला था कंपटीशन इसका Redmi 3S और Redmi 4 के साथ है, Redmi 3S Prime और Redmi 4 के साथ है, तो यहाँ पे अच्छी मोबाइल यही निकल के आ रही है यूरेका ब्लैक ही, सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसका डिजाइन कॉपीड है, जो कि कॉपीड है बीको यूफिल प्राइम से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बहुत नाम ले रहा हूँ इस वीडियो में माइक्रोमैक्स का, तो आप सोच रहे होंगे माइक्रोमैक्स का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दोनों कंपनी के बीच का रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां एक ही आदमी की है राहुल शर्मा की, और यहाँ पे इन दोनों का बात इसलिए हो रहा है क्योंकि जब माइक्रोमैक्स में उन्होंने कॉपी किया तो हमें लग रहा था कि वो इसमें कुछ इनोवेटिव लाएंगे, लेकिन इसमें भी उन्होंने कॉपी कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइक्रोमैक्स कॉपी करते करते मतलब क्या उनका कुछ क्या मिलता है, यहाँ पे कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला, जहां तक कि उनका बेइज्जती होगा, कुछ इनोवेटिव लाएंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा उनका मोबाइल चलेगा। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं आखिरी में आपको बताऊँ कि प्राइसिंग के हिसाब से मोबाइल कैसा है, तो प्राइसिंग के हिसाब से मोबाइल अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे कर दिया, उन्होंने कॉपी कर दिया डिजाइन, और वो कॉपी नहीं करते, कुछ अलग लाते, कुछ इनोवेटिव लाते, कुछ और अच्छा लाते तो और भी अच्छा हो सकता था मोबाइल, और भी कंपेटिबल हो सकता था। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया तो आपको ये कंपेटिबल जो मोबाइल आपको बताया उसमें से ये ज्यादा अच्छा निकल रहा है, तो प्राइस में अच्छा है। नीचे आप कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि आपको इसका डिजाइन को लेकर कोई मतलब आपत्ति है या नहीं है, आप इसे मोबाइल ले सकते हैं इस रेंज में या फिर नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।